क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 करके आया था, जो बच्चा वो आराम से कर लेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इच शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जस्ट उल्टा है, अब मल्टीप्लाई का बात था, यहाँ डिवाइड का बात है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं, 81 को हम लोग तोड़ते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 दुनी का 6 आता है, 3 दुनी का 6 आ जाता है, 2 3 7 21, 3 नमक का 27 और 3 तिहाई का 9। हमने देखा कि 81 जो आ रहा है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म का है, इंटू 3 के फॉर्म का है, एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। ये अगर ना होता तो आराम से ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। ये एक्स्ट्रा बात है, यानी ये मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का हो जाता, यानी 3 से डिवाइड करना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे इस वीडियो में बने रहिए, आप समझ जाइएगा। सबसे पहला काम होता है, हम लोग लिखते हैं ग्रुप द इक्वल फैक्टर इन ट्रिपलेट। बात को समझिए, जो फैक्टर आया है उस सभी इक्वल फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में लिखेंगे। जैसे 81 बराबर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये एक ग्रुप हो गया और मल्टीप्लाई 3, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लिख देंगे कि द नंबर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड, या ग्रुप में नहीं है। सो ऑल फैक्टर्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। दस 81 या दस द नंबर 81, लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहे जो इससे पहले किए थे, सेम लैंग्वेज। दस द नंबर 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कब होगा परफेक्ट, यदि इफ इफ वी डिवाइडेड या वी डिवाइड द नन परफेक्ट। बात समझिएगा इस बात को, नन परफेक्ट जो नंबर है, यानी कि या नन परफेक्ट नंबर, ये तो परफेक्ट नंबर है, नन परफेक्ट नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो लिख दे इफ वी डिवाइड द नन परफेक्ट क्यूब नंबर, नन परफेक्ट क्यूब नंबर क्या था, नन परफेक्ट क्यूब नंबर 81 वाई द नंबर 3, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी सी डी और ई जो है वो खुद कर लेना है, डू योर सेल्फ।